दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, अभी दो तीन दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, काफी डरे हुए थे, काफी घबराए हुए थे। असल में उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण से उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए थे, बहुत सारे उनके मन में वहम आ गया था। उन्होंने क्या किया था कि किसी दूसरे क्लिनिक पे जा करके अपना एक टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया था और दांत निकलवाने के बाद उनको एक प्रॉब्लम हो गई और वो ये थी कि जब वो मुंह में पानी रखते थे तो उनके नाक से वो पानी निकलने लग जाता था। तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और मेरे पास आए, तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की, वो रिलैक्स हुए, उनका मैंने अपने स्तर पर ट्रीटमेंट किया और अभी उनको काफ़ी हद तक आराम है। तो ऐसे में ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मुझे ये लगा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए कि ये प्रॉब्लम वास्तव में होती क्या है, ऐसा क्या हो जाता है कि ये समस्या हो जाती है दांत निकलवाने के बाद, कभी कभी नाक से पानी आने लग जाता है या कभी कभी खून भी आने लग जाता है, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका क्या मैनेजमेंट है और हम इस प्रॉब्लम से किस प्रकार से बच सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली रीड करके रिप्लाई करता हूँ। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, आपकी बात मुझसे करवा दी जाएगी। चलिए अपने आते हैं मेन पॉइंट पे कि दांत निकलवाने के बाद हमारे नाक से पानी क्यों गिरता है यदि हम मुंह में कुल्ला करने के लिए पानी रखते हैं और कभी कभी तो ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें क्या है कि थोड़ा सा हमने जो हमारा ओरल कैविटी है, खासकर जो हमारा ये एरिया है मैक्सिला होता है, उस स्क्रीन में बहुत सारे मैं पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, इसके स्ट्रक्चर को हमें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आपको जैसा कि पिक में दिख रहा होगा, देखिए जो हमारा ऊपर वाला जो मैक्सिला होता है इसमें एक हॉलो स्पेस होता है जिसे हम साइनस कहते हैं और इसकी जो बाउंड्री होती है, जो पोस्टीरियर टूथ हमारे होते हैं उनकी जो रूट है वो उसके बाउंड्री को टच करते हुए होते हैं। आप पिक देखिए, आपको उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जो हमारे वो पीछे वाले जो दांत हैं ऊपर वाले, उनकी जो जड़ें होती हैं वो उस साइनस को टच करती हुई रहती हैं। मान लीजिए कभी कभी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, उस केस में बिल्कुल उसके टच करती, कभी कभी उसके पार भी निकल जाती हैं। अब ऐसे स्थिति में जब हम दांत निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो साइनस परफोरेट हो जाए, मतलब उसकी बाउंड्री थोड़ी सी वहाँ से ब्रेक हो जाए। इस केस में क्या होता है कि ओरल कैविटी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो हो जाता है वो साइनस के साथ हो जाता है। ऐसे केस में जब हम दांत निकालेंगे तो ये होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर का फॉल्ट है, डॉक्टर ने ऐसा क्या कर दिया है, संभावना बिल्कुल बनी रहती है। तो यही होता है कि जब हम पीछे वाले दांत निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये बाउंड्री परफोरेट हो जाती है, यानी इसका कम्युनिकेशन डायरेक्टली बन जाता है। और इस केस में ही जब हम ओरल कैविटी में कोई लिक्विड लेते हैं, जैसे पानी लेते हैं, तो हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकलता है और इस स्थिति को हम कहते हैं साइनस ओपनिंग, साइनस परफोरेशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये होता क्यों है, कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया वो होता क्यों है। देखिए, जब हम दांत निकालते हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव फोर्स जब लग जाता है तो ऐसे केस में जो रूट्स होती हैं वो परफोरेट कर देती हैं, इस कारण से समस्या होने लग जाती है। तो ये तो हो गया समस्या क्यों होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इस समस्या का निदान क्या है, यदि समस्या हो गई है तो हम इससे कैसे ट्रीट करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साइनस ओपनिंग सामान्य रूप से यदि 1 mm से लेकर के और 3 mm के बीच में होती है, यानी 1-3 mm तक होती है, आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ ये ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर को जरूर चाहिए कि वो हायर एंटीबायोटिक्स आपको जरूर दें, साथ में आपको अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहना चाहिए और जब जब वो आपको बुलाए तो आप उनसे मिलने जरूर जाएं और अपना ट्रीटमेंट लेते रहें। अब यदि साइनस ओपनिंग 5 mm या उससे भी ज़्यादा होती है, उस केस में कभी कभी हम क्या करते हैं, सर्जिकल स्पॉट्स लगा देते हैं या सूचर कर देते हैं, इससे भी हीलिंग फास्ट हो जाती है और साइनस अपने आप हील हो जाता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
पर यदि इसके बाद भी समस्या बनी हुई होती है तो ये समस्या थोड़ी सी सोच विचार करने वाली बात है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे केस में क्या करते हैं, मतलब जब साइनस काफी वाइड ओपन हो जाता है, परफोरेट हो जाता है, कह सकते हैं कि मोर देन 5 to 6 cm तक हो जाता है, तो ये हीलिंग थोड़ा सा डिले होता है, आसानी से नहीं हो पाता। इस केस में हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, बोन ग्राफ्टिंग करने के बाद उस पर सूचर लगा देते हैं, उसके बाद ही प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपके साथ कभी ऐसी समस्या हो जाए तो आपको हैप्टिक नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। अब एज ए डॉक्टर मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि सभी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो अपर टूथ का एक्सट्रैक्शन करें, खासकर पोस्टीरियर टूथ का करें, प्रीमोलर मोलर्स का एक्सट्रैक्शन करें, तो डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट नहीं कर दें, खासकर यदि टूथ फर्म है या उसमें जड़ बस फंसी हुई है। इस केस में क्या है, आपको एक्सरे जरूर करवाना चाहिए, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो दांत है उसकी जड़ें कहाँ तक है, साइनस के नियरेस्ट हैं कि साइनस को टच कर रही हैं, तो इससे हमें क्या है दांत निकालने में एक आइडिया लग जाता है और साइनस परफोरेशन के चांसेस काफी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। ब्लाइंडली ऐसे काम नहीं करना चाहिए, तो एक्सरे करना चाहिए। इसके अलावा एक्सेसिव फोर्स खासकर अपर साइड में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए दांत जब निकालेंगे तो बिना फोर्स के तो निकलेगा नहीं, यानी ताकत तो लगानी पड़ेगी, लेकिन एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे सही टेक्निक का यूज करना चाहिए और साथ में सही इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करना चाहिए। ये सब सावधानी हम रखेंगे तो साइनस ओपनिंग की, साइनस परफोरेशन की जो प्रॉब्लम होती है ये बिल्कुल भी नहीं होगी और हम अपने पेशेंट को संतुष्ट करके भेजते हैं। हमारा पेशेंट बिल्कुल खुश होकर जाता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से दांत निकाला है, कोई तकलीफ नहीं हुई है। आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।